सोचकर हैरान हो गया हूं, दिमाग मेरा खराब हो गया है। कैसी फजूल बात की है भाईजान, कह रहे इफ्रा और राशिद की शादी कर दो। कौन है हम, कठपुतली हैं जो वो कहेंगे वो करते चले जाएंगे? कह रहे सना को मां मिल जाएगी, इफ्रा को सना का साथ, और मैं उनकी पोती की खातिर अपनी बच्चियों की खुशियां बर्बाद कर दूं। आप भूल रहे हैं फैज साहब, सना उनकी पोती के साथ साथ हमारी समरा की निशानी है। समरा जो अब इस दुनिया में नहीं रही, जिसकी मुख्तसर सी जिंदगी में खुशियों की मकदार भी बहुत मुख्तसर थी। और मैं नहीं चाहती कि उसकी बेटी सना उसकी जिंदगी में कोई दुख तकलीफ आए। भाई तो क्या करें, अब जो वो कह रहे वो तो नहीं कर सकते ना। हाँ, नहीं कर सकते, अगर काश ऐसा कर सकते। और इफ्रा और जवाद की मंगनी ना हुई होती तो मुझे इस रिश्ते से कोई तामल नहीं था। आफिया, मुझे तुमसे इस जवाब की तवक्को नहीं थी। मुझे खुद भी अपने आप से इस जवाब की तवक्को नहीं थी। मगर फयाज, जब से मेरी समरा गई है उसको लेकर और सना को लेकर मैं पहले से ज्यादा सास हो गई। जी चाहता है कि जो खुशी समरा की जिंदगी में नहीं मिली उसे वो सब की सब मैं सना की झोली में डाल दूं। उसकी जिंदगी में कोई मायूसी कोई महरूमी ना आने दो। आप जानते हैं फयाज साहब कि एक बच्चे की जिंदगी में सबसे बड़ी महरूमी उसकी माँ का ना होना है। अरे फ्राई सना की इस महरूमी में बेहतरीन मतावा। जज्बाती हो रही हो तुम। नहीं, जज्बाती नहीं हो रही। मैंने जो कुछ भी कहा सोच समझ कर कहा, और अब तो राशिद भी बहुत बदल गया है।